तेरा धन कोई और खाएगा ना कि तू खा पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएंगे। तू खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया तू तो खाली हाथ जाएगा। देखना, तू तो खाली हाथ आया मानो खाली हाथ जाएगा। घर बनाएगा बहू बेटा ले लेंगे, गाड़ी लाएगा बहू बेटा ले लेंगे। तेरे लिए तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी, शमशान को जाएगा तो काठ की घोड़ी, वो भी बांसों की। धन दौलत और माल खजाना सब रखा रहे जाए। अरे धन दौलत और माल खजाना सब रखा रे जाए। एक लाख रुपए की है, लेकिन इस भागवत की बात तो हमें लाख रुपए की तो जब पता चलता है जब हमारी साक्षात दुख आके खड़ा हो जाता है। देखिए, एक भैया की पत्नी खत्म हो गई। अब पत्नी को तो सभी को मरना है एक दिन। अब पत्नी खत्म हो गई, उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था। सब कह रहे राम नाम सत्य है सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है सबकी गत, एक ही गत है सबको मरना है। भगवान की कृपा ऐसी हुई, जल्दी जल्दी में वो जो मुर्दा जा रहा था उनकी डेड बॉडी एक खम्मा से टकरा गई, और खम्मा से टकराई उनमें थोड़ी सी सांस आई, जिंदा हो गई। अब बड़े खुश हुए सारे गांव वाले जो ले जाने वाले थे, उन्होंने कहा चलो बढ़िया, ये तो मर गई थी। और तुमने भी सुना होगा मरने वाले कई बार जिंदा भी हो गए, मर भी गई, दो दो घंटा मरे पड़े रहे, फिर सांस लौट आई। अब लौट आई, सबने खुशी मनाई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, वो अपनी पत्नी को लेके घर आ गए। अब एक दिन ऐसा हुआ, दो चार दस दिन महीना दो महीना बाद फिर मर गई।
अब जब फिर मर गई तो फिर उन्हें मरगट ले जाया गया तो सब कह रहे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। उनके पति कह रहे खम्मा बचाएगी, खम्मा बचाओ, जो कहने जाने दो। तो मेरी माताओं यहां पर है ना, ये सब स्वार्थ का मेला दिखता है। ऐसा लगता है संसार में सब मतवल के मेले। अब जब मतवल के हम और आप बन गए तो भगवान भी मतवली बन जाए तो कोई बुरा नहीं है। ठाकुर जी जब आप मतवल हल कर रहे हो तो वह ठाकुर जी भी अब मतवल हल कर रहे हैं। वो भी कहते हैं झेलते रहो। हाँ देखो, एक भगवान का भक्त कह रहा है, ब्रह्मा जी शंकर भगवान की पूजा करता रहा, भगवान ने नहीं सुनी, 6 महीना हो गए नहीं सुनी। किसी ने कह दिया कि तुम ऐसा करो, शंकर जी की पूजा छोड़ दो, ब्रह्मा जी की पूजा कर लो। उसने ऐसा ही किया, शंकर भगवान को तो भूल गया और ब्रह्मा जी